हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका इस वीडियो में। आज हम क्वेश्चन नंबर 72 सॉल्व करेंगे। देख लीजिए क्वेश्चन हमारा क्या है। कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस ऑफ 2x डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस एक्स। नाउ दिस इज इक्वल, सिंपल क्वेश्चन है, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला यूज करिए और कॉस के फॉर्म में ही यूज करिए क्योंकि नीचे हमारे पास कॉस है। तो कॉस स्क्वायर इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस एक्स डीएक्स। दिस इज इक्वल इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। नाउ दिस इज इक्वल, देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स, तो माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बचेगा और ये प्लस 1 है, तो इट मींस 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, सॉरी 1 माइनस कॉस एक्स है अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स डीएक्स। नाउ दिस इज इक्वल 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स डीएक्स। नाउ दिस इज इक्वल 1 माइनस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा, अब आपके पास क्या बचा, 1 प्लस कॉस एक्स, तो 1 प्लस कॉस एक्स डीएक्स। अब इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लीजिए, डायरेक्ट हम लिख देते हैं, 1 का इंटीग्रेशन एक्स होता है, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है और प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया। वेयर सी इज द कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, यहां जो फॉर्मूला यूज हुआ है वो देख लीजिए, इस स्टेप पे आपका जो फॉर्मूला यूज हुआ है, यहां पे जो हमने लिखा है, हमने यहां जो फॉर्मूला यूज किया है वो यूज किया है कॉस 2a का जो फॉर्मूला होता है वो 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1 होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने यूज किया है। ठीक है, बाकी सब सिंपल सॉल्यूशन है बिल्कुल। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।